हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस मतलब काल, पास्ट का मतलब बीता हुआ। आप यूं समझ लिए, जहां पास्ट है वहां पे था मतलब है उसका, था थी थे, और कंटिन्यू का मतलब है जारी रहना। इसका मतलब आप मान लीजिए कि रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस जिसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो। मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया आपको बताई थी कल भी, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, धोना, उठना बैठना, मरना जीना, पकाना फेंकना पकड़ना, ये सब शब्द मुख्य क्रियाएं हैं। मान लो खेलना है तो खेल रहा था, खेल रही थी, खेल रहे थे, आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ऐसे जिसमें हो तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले जब हमें किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनानी होती है तो हमें ये पहचान करनी पड़ती है ये किस टेंस का वाक्य है, उस टेंस की सहायक क्रिया और उस टेंस की अंग्रेजी बनाने का नियम और उसकी पहचान, ये तीन चीज़ पता होनी चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान हमने बता दी आपको, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में, हिंदी के हर वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया होती है, तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े होते हैं वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ये पहचान आप समझ गए, याद होगी आपको। उसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया इसकी वाज और वर्ब एक वचन के साथ। कर्ता अगर एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा वर लगाते हैं। तीसरी चीज याद करने की, नियम। नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, जैसे कल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, उसकी सहायक क्रिया इज एम आर थी, पहले सब्जेक्ट फिर सहायक क्रिया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी बचे जो बाद में। तो सपोज कीजिए ये वाक्य है, धोबी कपड़े धो रहा था, तो हमें इसमें सब्जेक्ट का पता लगाना, सहायक क्रिया हमें पता वाजवर है, और वर्ब का पता लगाना, वर्ब की जो अंग्रेजी होगी उसमें आई एन जी जोड़ देंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमें पता है कि भाई हिंदी के वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया होती है, अंत में क्या आया, धोबी कपड़े धो रहा था, तो धोना क्रिया है और धोने में रहा था जुड़ा हुआ है। धो रहा था, वाश मैंने धोना, तो वाशिंग मैंने धो रहा, अर्था मतलब वाज वर, तो धो रहा था वाज वाशिंग, जा रहा था वाज गोइंग, पढ़ रहा था वाज रीडिंग, खेल रहा था वाज प्लेइंग, खेल रहे थे वर प्लेइंग, धो रहे थे वर वाशिंग, कूद रहे थे वर जंपिंग। तो वाज वर के साथ वर में, धो रहा था वाज वाशिंग, शेर दहाड़ रहा था द लायन वाज रोरिंग, पक्षी चहक रहे थे द बर्ड्स वर चर्पिंग। तो यहाँ पे धोबी कपड़े धो रहा था, बाद में वाक्य पे हमने ध्यान दिया तो हमें पता चल गया धोना क्रिया है और इसमें रहा था लगा हुआ है, इसलिए ये रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा, ये तो हमें पता चलेगा सबसे पहले, भाई हिंदी के वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया होती है, तो ये मुख्य क्रिया में कौन या किसने लगाओ, धोबी कपड़े धो रहा था, कौन धो रहा था, धोबी, तो जो कौन या किसने के उत्तर में मिलेगा वही सब्जेक्ट, तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी सब्जेक्ट की। दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया था थी थे यानी वाज या वर, ये लिखेंगे नंबर दो पे, और उसके बाद जो वर्ब है उसमें आई एन जी, वर्ब क्या है, धोना, धोने में आई एन जी, वाश मैंने धोना और वाश में आई एन जी वाशिंग, तो नंबर तीन पे ये लिख देंगे वाशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे, क्रिया में क्या लगाने से या किसको लगाने से, क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, तो धोबी कपड़े धो रहा था, क्या धो रहा था, कपड़े, क्या के उत्तर में मिला कपड़े, क्या लगाने से मुख्य क्रिया में जो मिलेगा वही ऑब्जेक्ट, तो ये बाद में लिखेंगे नंबर चार पे आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया, धोबी की अंग्रेजी हमने लिख दी दी वॉशरमैन, उसके बाद नंबर दो पे सहायक क्रिया वाजवर लिखेंगे, तो वॉशरमैन एक वचन है इसलिए हमने लिख दिया वाज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब है वाश और वाश में आई एन जी जोड़ दी, हो गया वाशिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े यानी दी क्लॉथ्स, तो ये सेंटेंस हो गया दी वॉशरमैन वाज वाशिंग दी
प्लस आप इसको यूं भी करके देख सकते हैं, जबानी धोबी कपड़े धो रहा था, ऐसे बोल दो मन में अपने कि धोबी था धो रहा कपड़े, दीवाशरमैन वाज वॉशिंग द क्लोथ्स। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा था तो अध्यापक था पढ़ा रहा अंग्रेजी, द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। पुलिस चोर को पकड़ रही थी, पुलिस थी पकड़ रही चोर को, द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ। चपरासी घंटी बजा रहा था, चपरासी था बजा रहा घंटी, द पियन वाज रिंगिंग द बेल। किसान खेत जोत रहा था, तो यूं सोच लो कि किसान था जोत रहा खेत, द फार्मर वाज प्लोइंग द फील्ड। माताजी खाना पका रही थी, तो माताजी थी पका रही खाना, द मदर वाज कुकिंग द फूड। मेरी बहन स्वेटर बुन रही थी, मेरी बहन थी बुन रही स्वेटर, माय सिस्टर वाज नीटिंग ए स्वेटर। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, ये एफिर्मेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव बनाना हो तो इस वाज वर्ब के बाद नोट का प्रयोग और कर देंगे, नोट हमेशा वर्ब की फर्स्ट वर्ब से पहले नोट का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, द वॉशरमैन वाज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, धोबी था नहीं धो रहा कपड़े, द वॉशरमैन वाज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। और अगर हमें इसको इंटरगेटिव में बदलना, इंटरगेटिव में क्या होता है, शुरू में वाक्य के क्या लगा होता है, क्या धोबी कपड़े धो रहा था, तो क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए ये जो वाज वर है ये पहले लिख दिया जाएगा, वाज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। तो क्या धोबी कपड़े धो रहा था, वाज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। अगर ये हो क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, तो नोट वहीं रहेगा वर्ब से पहले, वाज द वॉशरमैन नोट वॉशिंग द क्लोथ्स। और अगर क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो, बीच में कब क्यों कैसे कहाँ, धोबी कपड़े कहाँ धो रहा था, तो कहाँ था धोबी धो रहा कपड़े, वेयर वाज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। और धोबी कपड़े कैसे धो रहा था, वेयर की जगह हाउ लगा दो, हाउ वाज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। धोबी कपड़े क्यों धो रहा था, तो क्यों था धोबी धो रहा कपड़े, व्हाई वाज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। धोबी कपड़े कब धो रहा था, तो व्हेन वाज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। धोबी किसके कपड़े धो रहा था, किसके कपड़े, ये इंटरगेटिव एडजेक्टिव है किसके, तो हूज क्लोथ्स लिखा जाएगा पहले, हूज क्लोथ्स वाज द वॉशरमैन वॉशिंग, हूज क्लोथ्स वाज द वॉशरमैन वॉशिंग। तो इस प्रकार से आप जो है इन सेंटेंसेस की अंग्रेजी बना सकते हैं। इस पुस्तक में जो वाक्य लिखे हुए हैं मैं आपको उनकी अंग्रेजी बता देता हूँ, पहले अंग्रेजी के वाक्यों की हिंदी है, रितु वाज गोइंग टू लखनऊ विद हर फ्रेंड, रितु वाज गोइंग टू लखनऊ विद हर फ्रेंड, रितु अपने मित्र के साथ लखनऊ जा रही थी, द स्टूडेंट्स वर नॉट स्टडिंग वेल यस्टरडे, विद्यार्थी कल ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, वे एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उज्ज्वल वाज डूइंग वेल, उज्ज्वल बढ़िया कर रहा था, वाई वर यू इंसल्टिंग द पुअर मैन यस्टरडे, कल तुम गरीब आदमी का अपमान क्यों कर रहे थे, मुस्कान वाज सिंगिंग वेल, मुस्कान अच्छी तरह से गा रही थी, व्हाट वर यू डूइंग लास्ट इवनिंग, कल शाम आप क्या कर रहे थे, हु वाज टीचिंग इंग्लिश इन द इवनिंग, शाम को तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। अब देखिए ये हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तो लकड़हारा था काट रहा लकड़ी, द वुड कटर वाज कटिंग द वुड, द वुड कटर वाज कटिंग द वुड, वुड मैंने लकड़ी और वुड्स मैंने जंगल, लोहार अपना कार्य सतर्कता पूर्वक कर रहा था, लोहार ब्लैक स्मिथ, द ब्लैक स्मिथ वाज डूइंग हिज वर्क केयरफुली, द ब्लैक स्मिथ वाज डूइंग हिज वर्क केयरफुली, मजदूर मिट्टी में पानी डाल रहा था, द लेबरर वाज ड्रॉपिंग वाटर इनटू द मड, द लेबरर या द वर्कर वाज ड्रॉपिंग वाटर इनटू द मड, मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, द जज वॉज हियरिंग द केस, पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द ओपन स्काई, कल हमारे प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों से परामर्श नहीं कर रहे थे, यस्टरडे आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट कंसल्टिंग हिज कुलीग्स, आज पुलिस अभियुक्त को जेल खाने में नहीं ले जा रही थी, द पुलिस वॉज नॉट टेकिंग द कल्प्रिट इन टू द जेल,
पुलिसमैन पॉकेटमार को गिरफ्तार नहीं कर रहा था। द पुलिसमैन वाज नॉट अरेस्टिंग द पिक पॉकेट। पिक पॉकेट मतलब पॉकेटमार, जेब कतरा। कल मंगल बाजार में ग्राहक एकत्रित नहीं हो रहे थे। यस्टरडे द कस्टमर्स वर नॉट गैदरिंग इन द मंगल मार्केट। कल सुबह बारिश नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे। क्या हमीद रशीद की सहायता कर रहा था। वॉज हमीद हेल्पिंग रशीद। क्या यह लड़का पक्षियों को परेशान कर रहा था। वॉज दिस बॉय टीचिंग द बर्ड्स। वह मोहन को क्यों पढ़ा रहा था। वाई वॉज ही टीचिंग मोहन। वाई वॉज ही टीचिंग मोहन। मास्टर साहब कल तुम्हें व्याकरण क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। Why was the teacher not teaching you grammar yesterday? Why was the teacher not teaching you grammar yesterday? Supreme Court किन्हें जमानत प्रदान कर रही थी। Whom was the Supreme Court granting bail? Whom was the Supreme Court granting bail? वह रात के अंधेरे में कहाँ जा रहा था। Where was he going in the dark of the night? Where was he going in the dark of the नाइट। मोहन का भाई तुम्हारी सहायता कब कर रहा था। व्हेन वाज मोहन्स ब्रदर हेल्पिंग यू। व्हेन वाज मोहन्स ब्रदर हेल्पिंग यू। यह पॉकेटमार यहाँ कब से अपना कार्य कर रहा था। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कब से जुड़ गया, समय आ गया इसमें, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, इस टेंस का नहीं है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये बाद में बताएंगे हम आपको। सुप्रीम कोर्ट सरकार की टाल मटोल नीति से क्यों अप्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। Why was the Supreme Court looking displeased with the delaying tactics of the government? Why was the Supreme Court looking displeased with the displaying tactics of the government? तुम्हारा कुत्ता आधी रात के समय क्यों भौंक रहा था। Why was your dog barking at midnight? Why was your dog barking at midnight? क्या रीच सोते हुए यात्री को सूंघ रहा था। Was the bear smelling the asleep passenger? Was the bear smelling the asleep passenger? Asleep मैंने सोया हुआ, passenger यात्री। क्या मास्टर साहब विद्यार्थियों की अशुद्धियाँ ठीक नहीं कर रहे थे। Was the teacher not correcting the mistakes of the students? Was the teacher not correcting the mistakes of the students? तुम्हें कल कौन बुला रहा था। Who was calling you? Who was calling you? वह कल खाना बना रही थी। She was cooking food yesterday. सो माई फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी अपने वाक्य बना सकते हैं। कोई वाक्य आपसे नहीं बन रहा हो तो आप उसको अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम उसको आपको बता देंगे कैसा करना। लेकिन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको करके देखेंगे, तभी आप एक जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे सीखने का। तो आप इसको करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहिए और इसको बार बार देखिए और अपने साथियों को भी बताइए कि भाई इस प्रकार से ये जो कॉलेज से वीडियो आ रहे हैं आप इनको पढ़ के देख के सीख सकते हैं। आप उनको सबको बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच बॉयज़, थैंक यू सो मच।